डॉक्टर साहब माफ़ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ, इस बारे में डिटेल में आपसे समझूंगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुनेंद्र ने हमें कॉल किया है, कन्नौज से इन्होंने कॉल किया है। मुनेंद्र, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, आप सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम, बोथ ऑफ यू एंड डॉक्टर साहब को भी मेरी तरफ से सुप्रभात। जी मैम, मेरा प्रश्न मेरे पिताजी से संबंधित है। जी, जी मेरे पिताजी की उम्र करीब 60 से 62 साल है। वो एक्स है, एक्चुअली एक्स सर्विस में थे, तो उनके घुटनों में अभी बहुत ज़्यादा पेन रहता है, वो चलने में उन्हें तकलीफ होती है काफ़ी, और काफ़ी एक एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने में दिक्कत होती है। तो सुझाव ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि क्या उनके लिए टहलना और खान पीन में क्या खाना चाहिए जिससे कि उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिले, क्योंकि वो अगर बैठ जाएं तो फिर एक जगह से उठने के लिए बहुत तकलीफ होती है और सर्दियों में विशेषकर बढ़ जाती है। तो मैं ये सुझाव जानना चाहता हूँ कि क्या खान पीन होना चाहिए उनका, या टहलना चाहिए हल्का, कौन कौन सी एक्सरसाइज उनके लिए उपयोगी होंगी। बिल्कुल धन्यवाद मुनेंद्र, मैम। आप कॉल पर बने रहिए, डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। डॉक्टर, आप सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि चलना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर चलेंगे नहीं तो हार्ट ठीक से नहीं चलेगा, चलेंगे नहीं तो भूख नहीं लगेगी, जो भी खाया है हजम नहीं होगा, तो चलना बहुत ही ज़रूरी है, चलना बंद नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि खाना क्या खाना चाहिए, तो मैंने अभी बोला कि विटामिन की कमी के लिए देखना चाहिए, और दूसरा हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, क्योंकि 40-50 के बाद आमतौर से आदमी को भूख भी कम लगती है, तो हाई क्वालिटी फूड खाना चाहिए एंड डॉक्टर को पूछ के जहाँ ज़रूरत है सप्लीमेंट लेना चाहिए। दूसरा बात कि जब भी ऐसा पेन हो, चल नहीं सकते हो, वो सब पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, तो एक बार जाके ऑर्थोपेडिक सर्जन को ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि अगर दवाई और फिजियोथेरेपी से अगर टाइम निकल सकता है तो आपको करेक्ट एडवाइस मिलेगी। बिल्कुल, यानी एक बार डॉक्टर से ये सलाह लें कि किस वजह से दर्द है और फिर उसका उपाय अपनाएं।